हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। ये है कर्नाटक का बड़ा ही महत्वपूर्ण और मशहूर तुमकुर जिला, जो क्षेत्रफल के लिहाज से कर्नाटक का तीसरा सबसे बड़ा जिला माना जाता है। वही जनसंख्या के हिसाब से देखें तो ये कर्नाटक का चौथा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला शहर है। दोस्तों, ये जिला 10 तहसीलों को अपने अंदर समेटे हुए है, जिसकी सीमाएं लगभग 10 जिलों से लगी हुई है, जो इस राज्य में सबसे ज्यादा है। क्षेत्रफल की बात करें तो ये जिला 10,597 वर्ग किलोमीटर के विशाल भूभाग पर फैला हुआ है। इस जिले में भी 2011 में ही अंतिम बार जनगणना की गई थी। उन्हीं आंकड़ों में इसकी जनसंख्या लगभग 27 लाख के आसपास बताई जाती है, जो कुवैत देश की जनसंख्या के बराबर है। ये जनसंख्या जिले के इलाके के साथ लगभग 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व बनाती है। यहाँ की जनसंख्या में पुरुषों से अधिक महिलाओं की संख्या है। साथ ही 1000 पुरुषों की आबादी पर लगभग 984 महिलाओं का लिंगानुपात पाया जाता है। यहाँ की लिटरेसी यानी साक्षरता को देखें तो कुल आबादी में 75% लोग पढ़े लिखे माने जाते हैं। धर्म के आधार पर जनसंख्या के आंकड़े देखें तो यहाँ 90% आबादी में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहा करते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर 9% के साथ इस्लाम मत में विश्वास रखने वाले लोग लार्जेस्ट माइनॉरिटी हैं। इसके अलावा भी बाकी धर्मों के लोग 1% से भी कम में सिमटे हुए हैं। आप सब जानते हैं ये जिला कर्नाटक का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन इसकी सीमाएं कुछ कुछ दूसरे राज्यों से भी लगती हैं। इसका असर यहाँ की संस्कृति और बोलचाल में भी देखने को मिलता है। यहाँ की सबसे ज्यादा यानी लगभग 85% आबादी कन्नड़ा लैंग्वेज में बात करती है और इसे बतौर अपनी मातृभाषा स्वीकार करती है। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा 9% लोग उर्दू बोलने वाले हैं। इसके अलावा तेलुगु और लंबाड़ी जैसी लैंग्वेजेस इस इलाके में बोली जाती हैं, जिनका कंबाइंड परसेंटेज 5% के आसपास बनता है। यहाँ की इकोनॉमी की बात करें तो ये इलाका पिछले कुछ दशकों से इंडस्ट्रीज की फील्ड में काफी ग्रो कर रहा है। यहाँ की रूरल इकोनॉमी ज्यादातर खेती पर ही टिकी हुई है। यहाँ की सबसे ज्यादा पैसे देने वाली फसलों में चावल, मूंगफली, सुपारी और रागी की फसलें आती हैं। इसके अलावा यहाँ नारियल भी काफी मात्रा में होता है। यहाँ मिडिल क्लास लोग काफी ज्यादा हैं, जो छोटे मोटे व्यापार और इंडस्ट्रीज के सेक्टर को काफी ज्यादा बूस्ट दे रहे हैं। यहाँ के कई इलाकों में कई कई हजार एकड़ भूमि को विभिन्न अथॉरिटीज को दिया गया है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और इकोनॉमिक जोन्स बनाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। अभी यहाँ लगभग 15 मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज और 23,000 माइक्रो स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जिनमें लगभग 1,35,000 लोग काम करते हैं। एजुकेशन के लिहाज से भी ये जिला काफी अच्छा है। इसके दो इलाके तुमकुर नॉर्थ और तुमकुर साउथ, जिसे मधुगिरी कहा जाता है, कई कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स का घर माना जाता है। इनमें 7 टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स और 2 मेडिकल इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं। इसके अलावा हजारों की संख्या में सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स मौजूद हैं, जो इस इलाके की डेवलपमेंट के लिए टैलेंटेड युवाओं को सामने लाते हैं। इतिहास की बात करें तो ये जिला कह सकते हैं कि 1832 में अस्तित्व में आया, जब ये चित्रदुर्ग डिवीजन का भाग हुआ करता था। 1862 में चित्रदुर्ग डिवीजन को विभाजित कर दिया गया और 2 हिस्से कर दिए गए, जिसके बाद तुमकुर बना। पहले तुमकुर को नंदीदुर्ग के नाम से जाना जाता था। वैसे आप इस जिले के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बता सकते हैं।